हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर सेशन ऑन 360 बायोलॉजी ट्यूटोरियल्स बाय तन्वीर मलिक। इन दिस पर्टिकुलर सेशन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अनदर टाइप ऑफ सेल डिवीजन इन द चैप्टर ऑफ सेल साइकिल, दैट इज माइटोसिस। चलिए आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ सेल डिवीजन डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज माइटोसिस। ठीक है, माइटोसिस क्या होता है? ठीक है ना, ये पहले जानने से पहले कि माइटोसिस क्या होता है, हमें पहले ये जानना जरूरी है कि माइटोसिस को किस साइंटिस्ट ने डिस्क्राइब किया। ठीक है ना, तो माइटोसिस को पहली बार प्लांट सेल्स में, याद रखिएगा, प्लांट सेल में इसको डिस्क्राइब किया एक साइंटिस्ट ने, उसका नाम था एडवर्ड स्ट्रॉसबर्गर। So it was explained or described in plant cells by a scientist called Edward Strasburger, and the year was 1875. ठीक है ना? Similarly in the animal cells में इसको किसने discover किया? या animal cells में किसने describe किया mitosis को? In animal cells, this mitosis was explained or described by Walther Fleming, and the year was 1879. And Walther Fleming also was the scientist who also coined the term mitosis. तो माइटोसिस ने ही एनिमल सेल्स में माइटोसिस को डिस्कवर किया, डिस्क्राइब किया, और दूसरा वाल्डर फ्लेमिंग ने ही माइटोसिस टर्म को क्वाइन किया। ठीक है, अब चलिए हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि माइटोसिस असल में होता क्या है। तो शायद आपको इसका थोड़ा सा नॉलेज होगा, तो मैं आज इसको थोड़ा सा और ज्यादा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा इसकी डेफिनेशन को। ये क्या है? द टाइप ऑफ सेल डिवीजन इन विच पेरेंट सेल डिवाइड्स इनटू टू डॉटर सेल्स ईच विद अ न्यूक्लियस हैविंग सिमिलर नंबर एंड काइंड ऑफ क्रोमोसोम्स एंड सिमिलर हेरिडिटरी इंस्ट्रक्शंस। ठीक है ना, मान लीजिए अगर हमारे पास एक सेल है, ठीक है ना, ये इसका न्यूक्लियस है, तो ये सेल डिवाइड करती हैं, जब ये डिवाइड करती हैं तो ये दो डॉटर सेल्स बनाती हैं। ठीक है ना, एक डॉटर सेल, दूसरी डॉटर सेल, लेकिन इन दो डॉटर सेल्स में बराबर उतने ही क्रोमोसोम्स होते हैं जितनी पेरेंट सेल में होते हैं। जैसे ह्यूमन बींग्स की अगर हम बात करेंगे तो इसमें होते हैं 46 क्रोमोसोम्स, तो जो डॉटर सेल्स बनती है इसमें भी 46, इसमें भी 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है ना, तो कैसे होता है ये 46 अगर इसमें है तो इसमें कैसे 46, इसमें कैसे 46? आपको मैंने बताया है कि सेल डिवीजन होने से पहले इंटरफेस होता है सेल में, तो उसमें डीएनए की रेप्लिकेशन होती है, तो उसमें जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो भी अपनी कॉपी बना लेते हैं। ठीक है ना, दैट मीन्स 46 क्रोमोसोम्स बिकम 92 क्रोमोसोम्स, फिर 92 क्रोमोसोम्स में 46 इसमें जाते हैं, 46 इसमें जाते हैं। ठीक है ना, तो एक ऐसा डिवीजन जिसमें पेरेंट सेल डिवाइड करती है टू डॉटर सेल्स, दोनों में सिमिलर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, सिमिलर टाइप ऑफ, सिमिलर काइंड ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, और इसके अलावा डीएनए इसमें सिमिलर होता है जैसा कि पेरेंट सेल में होते हैं, यानी कि हेरिडिटरी इंस्ट्रक्शंस बिल्कुल वैसे होते हैं जैसे कि पेरेंट सेल में होते हैं। ठीक है ना, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो माइटोसिस है, इट्स ऑल्सो कॉल्ड एज इनडायरेक्ट डिवीजन। ठीक है ना, इसको हम इनडायरेक्ट डिवीजन भी बोलते हैं। हमने पिछली बार माइटोसिस पढ़ा, माइटोसिस को हमने डायरेक्ट डिवीजन बोला, लेकिन यहां पर हम इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट डिवीजन। इनडायरेक्ट डिवीजन क्यों बोलते हैं? क्योंकि वहां पे हमने रीजन ये दिया था, क्योंकि माइटोसिस में क्या होता है, जो न्यूक्लियर एनवलप होता है वो इंटैक्ट रहता है। ठीक है ना, और वो न्यूक्लियस जो है वो सीधे कॉन्स्ट्रिक्शन के थ्रू, फरोइंग के थ्रू डिवाइड करता है, लेकिन यहां पर ऐसा कुछ नहीं होता, यहां पे दूसरा फिनोमेना होता है। तो जब मैं उस फिनोमेना को पूरी तरीके से एक्सप्लेन करूंगा तो वहां पे आपको समझ आ जाएगा व्हाई दिस इज आल्सो कॉल्ड एज इनडायरेक्ट डिवीजन। ठीक है ना, हाँ। चलिए दूसरी इंपॉर्टेंट चीज इसमें आप याद रखेंगे, जो माइटोसिस होता है इट्स ऑल्सो कॉल्ड सोमैटिक डिवीजन, इट्स ऑल्सो कॉल्ड एज द सोमैटिक डिवीजन। इसको सोमैटिक डिवीजन क्यों बोलते हैं? बिकॉज इट टेक्स प्लेस इन द सोमैटिक सेल्स। ठीक है ना, ये सोमैटिक सेल्स में होता है। सोमैटिक सेल्स का मतलब हो गया ऑल द सेल्स ऑफ बॉडी एक्सेप्ट जर्म सेल्स और सेक्स सेल्स। ठीक है ना, जैसे मेल्स में जर्म सेल और सेक्स सेल है, स्पर्म सेल, इस स्पर्म सेल के बगैर जितनी भी सेल्स हैं दोज आर सोमैटिक सेल्स। ठीक है ना, तो फीमेल्स में एग सेल के बगैर जितनी भी बॉडी में सेल्स हैं दोज आर सोमैटिक सेल्स। तो ये सोमैटिक सेल्स, तो मैक्सिमम जो हमारी बॉडी में सेल्स होती है उनमें माइटोसिस होता है। ठीक है ना, चलिए दूसरा इसका हम सोमैटिक डिवीजन तो इसको नाम बोलते हैं, दूसरा इसके अलावा हम इसको और एक नाम देते हैं, दैट इज इक्वेशनल डिवीजन। इक्वेशनल डिवीजन, इसको इक्वेशनल डिवीजन क्यों बोलते हैं?
क्योंकि जब डॉटर सेल्स बनती हैं पेरेंट सेल से तो उनमें इक्वली जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं. दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड इक्वेशनल. इक्वली द क्रोमोसोम्स आर और डीएनए इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द टू सेल्स. ठीक है. सो दिस वाज लिटिल इंट्रोडक्शन अबाउट द माइटोसिस. और हम सबको पता है कि जो भी टाइप ऑफ सेल डिविजन होता है वो हमेशा होता है इन टू स्टेजेस. एक तो इसमें स्टेज आता है कैरियोकाइनेसिस, दूसरा इसमें स्टेज आता है साइटोकाइनेसिस. ठीक है. तो पहले जब माइटोसिस होता है पहले कैरियोकाइनेसिस होता है यानी कि न्यूक्लियस डिवाइड करता है, उसके बाद साइटोकाइनेसिस होता है यानी कि साइटोप्लाज्म डिवाइड करता है. ठीक है ना. लेकिन आप याद रखेंगे जो यहां पे कैरियोकाइनेसिस होता है इसमें चार स्टेजेस आते हैं. कितने स्टेजेस आते हैं? चार स्टेजेस. एक को हम बोलते हैं प्रोफेज, सेकेंड वन इज मेटाफेज, थर्ड वन इज एनाफेज एंड फोर्थ वन इज टेलोफेज. सो दीज आर द फोर सब फेजेस ऑफ द कैरियोकाइनेसिस. यानी कि न्यूक्लियर डिवीजन इन चार फेजेस में होता है, उसके बाद साइटोकाइनेसिस में कोई सब फेज नहीं होता है. ठीक है ना. तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द प्रोफेज. ठीक है. तो हम प्रोफेज से स्टार्ट करते हैं. ठीक है. तो सबसे पहली चीज हम यहां पे लिखेंगे दैट इज प्रोफेज. ठीक है. हाँ. अब चलिए प्रोफेज जो है ये लॉन्गेस्ट फेज होता है इन चार फेजेस में. इट इज द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ द सेल डिवीजन. सेल डिवीजन नहीं कहेंगे बल्कि माइटोटिक सेल डिवीजन जो है उसमें जो लंबा फेज होता है दैट इज प्रोफेज. ठीक है ना. और ये तकरीबन 50 मिनट्स में कंप्लीट होता है. इट इज कंप्लीटेड इन 50 मिनट्स. ठीक है. दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आप याद रखें कि जो ये प्रोफेज है इट इज डिवाइडेड इंटू थ्री सब फेजेस. एक है अर्ली प्रोफेज, नेक्स्ट वन इज मिडल प्रोफेज एंड देन वी हैव गॉट लेट प्रोफेज. ठीक है ना. तो ये तीन सब फेजेस आप याद रखेंगे किसके? प्रोफेज के. ठीक है ना. चलिए हम इसको रब करते हैं, आगे चलते हैं. चलिए तो प्रोफेज के आपने याद रखे कितने सब फेज होते हैं? तीन सब फेज होते हैं. ठीक है. चलिए हम आगे चलते हैं. हम इन तीन सब फेजेस को डिस्कस करते हैं. चलिए पहले हम अर्ली प्रोफेज की बात करते हैं. अर्ली प्रोफेज. आपको पता है कि जब मैंने आपको इंटरफेज पढ़ाया था इंटरफेज में मैंने आपको बताया था कि जो एस फेज होता है इंटरफेज का उसमें जो सेल के अंदर सेंट्रियोल होता है वो डबल हो जाता है, वो डिवाइड करता है और वो दो सेंट्रियोल्स बनाता है. ठीक है ना. अब मान लीजिए हमारे पास एक सेल है. ठीक है. अब ये है सेल का न्यूक्लियस. अब अर्ली प्रोफेज में क्या होता है कि अर्ली प्रोफेज में जो दो सेंट्रियोल्स होते हैं दे मूव टुवर्ड्स द अपोजिट पोल्स. ठीक है ना. ये अपोजिट पोल्स पे चले जाते हैं एट राइट एंगल टू ईच अदर. ठीक है. दूसरा इनके बाहर होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स. माइक्रोट्यूब्यूल्स. ठीक है ना. लेकिन ये माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टार. क्या होते हैं? इन द फॉर्म ऑफ स्टार. इसी वजह से हम इसको बोलते हैं स्टार शेप्ड बॉडी और एस्टर. याद रखिएगा मैं बोल रहा हूं ज्यूरिंग द अर्ली प्रोफेज क्या होता है, जो दो सेंट्रियोल्स ऑलरेडी बने हुए होते हैं दे मूव टुवर्ड्स द अपोजिट पोल्स और इनके बाहर माइक्रोट्यूब्यूल्स डेवलप होते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टार. दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड स्टार शेप्ड बॉडी और एस्टर. ठीक है. अब इनके दरमियान क्या बनते हैं? इनके दरमियान बन जाते हैं स्पिंडल फाइबर्स. बिटवीन दीज टू सेंट्रियोल्स व्हाट आर फॉर्मड? स्पिंडल फाइबर्स आर फॉर्मड. ठीक है ना. अब आप याद रहेंगे स्पिंडल फाइबर्स भी माइक्रोट्यूब्यूल्स के बने होते हैं. ठीक है ना. लेकिन किस माइक्रोट्यूब्यूल के बने होते हैं? उसको हम बोलते हैं ट्यूब्यूलिन प्रोटीन्स. ट्यूब्यूलिन प्रोटीन्स के बने होते हैं ये माइक्रोट्यूब्यूल्स जो बनाता है इन दो सेंट्रियोल्स के दरमियान स्पिंडल फाइबर्स. ठीक है ना. चलिए ये तो हो गए न्यूक्लियस के बाहर ये चेंजेस आती हैं कि सेंट्रियोल पेयर हो जाते हैं अपोजिट पोल्स पे और स्पिंडल फाइबर्स जनरेट हो जाते हैं बाहर से, ये स्टार शेप्ड बॉडी बन जाती है एस्टर. ठीक है ना. हाँ. लेकिन आप याद रखेंगे जो ये स्टार शेप्ड बॉडी है जो यहां पर आप देख रहे हैं ये एस्टर्स माइक्रोट्यूब्यूल्स जो आप देख रहे हैं ये माइक्रोट्यूब्यूल्स कभी भी इस सेंट्रियोल को टच नहीं करते. मैंने सेल बायोलॉजी में आपको पढ़ा है, सेल ऑर्गेनिज्म में आपको पढ़ा है कि इन एस्टर्स के बीच में और इस सेंट्रियोल के बीच में एक स्पेस होती है which we call as pericentriolar cloud. क्या बोलते हैं बेटा इसको? शबाश आप याद रखेंगे, इसको हम बोलते हैं pericentriolar
क्लाउड, ठीक है। हाँ, अब आगे चलते हैं, न्यूक्लियस में क्या चेंजेस आती हैं। याद रखिए आप अर्ली प्रोफेज में क्या होता है, जो क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम्स किस फॉर्म में होते हैं याद रखिएगा, क्रोमोसोम्स आर लॉन्ग थिन एंड थ्रेड लाइक, ठीक है ना, और ये डायड फॉर्म में होते हैं, दे आर प्रेजेंट इन द डायड फॉर्म। डायड फॉर्म का मतलब क्या होगा, यानी कि क्रोमोसोम्स ऐसे होते हैं लॉन्ग थिन एंड थ्रेड लाइक, और ये होते हैं डबल, ठीक है, और बीच में क्या होता है, यहां पे होता है सेंट्रोमियर। तो आप याद रखिए अर्ली प्रोफेज के दौरान जो न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं, एक तो ये लंबे होते हैं, पतले होते हैं और होते हैं थ्रेड लाइक, ठीक है ना। हाँ, तो अब क्या होता है, ये तो अभी तक होता है, जब अर्ली प्रोफेज में सेल आती है तो क्रोमोसोम्स इस तरह के होते हैं, लेकिन अब अर्ली प्रोफेज में क्या होता है कि इन क्रोमोसोम्स में चेंजेस आती है, दीज क्रोमोसोम्स अंडरगो कंडेंसेशन, याद रखिएगा दे अंडरगो कंडेंसेशन एंड स्पाइरलाइजेशन। इनमें एक तो कंडेंसेशन होती है, दूसरी स्पाइरलाइजेशन होती है, यानी कंडेंसेशन का मतलब क्या होता है, अब ये लंबे होते हैं लेकिन अब इनमें ये वाटर लॉस करते हैं, ठीक है ना, जब हम किसी कपड़े को किसी पानी के बाल्टी में डुबोते हैं तो वो बहुत लंबा हो जाता है और भारी हो जाता है, ठीक है ना, जब उसमें हम पानी निचोड़ते हैं तो वो श्रिंक हो जाता है। इसी तरीके से होता है इन क्रोमोसोम्स में भी, कि जब कंडेंसेशन होती है वाटर लॉस हो जाता है, ये श्रिंक हो जाते हैं, ठीक है ना। अब इनकी कुछ ऐसी इस तरीके की फॉर्म हो जाती हैं, ये कुछ ऐसे बन जाते हैं ये क्रोमोसोम्स, ठीक है ना, यहां पे होता है सेंट्रोमियर, ठीक है। तो अब ये क्या हो जाते हैं, अर्ली प्रोफेज में क्रोमोसोम्स अंडरगो कंडेंसेशन एंड स्पाइरलाइजेशन। कंडेंसेशन में क्या होता है, पानी लॉस हो जाता है, और स्पाइरलाइजेशन का मतलब क्या है, स्पाइरलाइजेशन का मतलब हो जाता है कि ये कॉइल फॉर्म में आ जाता है, जैसे स्प्रिंग होता है ना कॉइल फॉर्म में, वो शॉर्ट हो जाता है और उस स्प्रिंग को खींचेंगे तो वो लंबा हो जाता है, ठीक है ना। हाँ, तो जब कंडेंसेशन हो जाती है, स्पाइरलाइजेशन हो जाती है, जब ये क्रोमोसोम्स कॉइल करते हैं तो उस टाइम इनकी शेप ऐसे बन जाती है, तो अब ये बन जाते हैं शॉर्ट थिक रॉड लाइक। तो पहले थे लॉन्ग थिन एंड थ्रेड लाइक, अब हो जाते हैं शॉर्ट थिक एंड रॉड लाइक, ठीक है ना। तो ये होती है क्रोमोसोम्स की शेप इनसाइड द न्यूक्लियस, ठीक है ना। और ये चेंजेस कब आ जाती है, ये चेंजेस आ जाती हैं ड्यूरिंग द अर्ली प्रोफेज। अब चलिए हम आते हैं अब मिडिल प्रोफेज की, और मिडिल प्रोफेज में क्या क्या चेंजेस आ जाती हैं, ठीक है ना। चलिए यहां पर मैं लिखूंगा मिडिल प्रोफेज, ठीक है। तो मिडिल प्रोफेज में और ज्यादा कंडेंसेशन होती है, और ज्यादा स्पाइरलाइजेशन होती है, मोर कंडेंसेशन एंड स्पाइरलाइजेशन, और ज्यादा कंडेंसेशन और स्पाइरलाइजेशन होती है, और जो ये क्रोमोसोम होते हैं ये और ज्यादा शॉर्ट एंड थिक हो जाते हैं, ये और ज्यादा मोटे और छोटे हो जाते हैं, ठीक है ना। तो अब इनकी शेप कुछ इस तरीके से होती है, ठीक है ना। अब इस क्रोमोसोम के, ये क्रोमोसोम जो है, दिस इज क्रोमोसोम इन डायड फॉर्म, क्योंकि इसके पास दो क्रोमैटिड्स हैं, और जो ये दो क्रोमैटिड्स होते हैं इनको हम बोलते हैं सिस्टर क्रोमैटिड्स, क्योंकि ये एक ही क्रोमोसोम्स के दो क्रोमैटिड्स होते हैं। सो दिस क्रोमोसोम इज इन डायड फॉर्म, और हम कभी कभार क्रोमोसोम ऐसे भी लिखते हैं, दिस इज द क्रोमोसोम इन मोनड फॉर्म, क्योंकि इसके पास एक ही क्रोमैटिड है, दिस इज द क्रोमोसोम इन डायड फॉर्म, क्योंकि इसके पास दो सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं, ठीक है ना। तो मिडिल प्रोफेज के दौरान और ज्यादा कंडेंसेशन और ज्यादा स्पाइरलाइजेशन होती है, ठीक है ना। दूसरी चीज क्या आती है ड्यूरिंग मिडिल प्रोफेज, जो न्यूक्लियोलर क्रोमोसोम्स लूज न्यूक्लियोलस, ठीक है ना। आपको पता है ह्यूमन बींग्स में जो क्रोमोसोम्स होते हैं 23 पेयर्स होते हैं, ठीक है ना, उसमें जो क्रोमोसोम नंबर 13, 14, 15, 20 एंड 21, याद रखिएगा मैंने आपको पढ़ा है सेल बायोलॉजी में न्यूक्लियस की, अगर आपको ये समझ नहीं आया है यहाँ पे तो आप न्यूक्लियस में देख लीजिए, जो सेल ऑर्गेनिज्म में मैंने न्यूक्लियस पढ़ाया है वहाँ पे न्यूक्लियोलस में मैंने पढ़ाया, तो उस टाइम वो आप देख सकते हैं मेरी चैनल पे, तो वहाँ पे आपको ये क्लियर हो जाएगा। फिर भी यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि जो क्रोमोसोम नंबर 13, 14, 15, 20, 21 होता है, इन क्रोमोसोम्स में नीचे होती है, एक तो हो गई ये कॉन्स्ट्रिक्शन,
इसको हम बोलते हैं प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शन, जहां पे सेंट्रोमियर होता है। इसके अलावा होती है यहां पे इन क्रोमोसोम्स में, जो ये 13, 14, 15, 20, 21 क्रोमोसोम्स हैं, इनको बीच नीचे वाले साइड से और एक कॉन्स्ट्रक्शन होती है जिसको हम बोलते हैं सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन। और इस सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन में क्या होता है, इस सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन में न्यूक्लियोलस होता है। एंड न्यूक्लियोलस आप सबको पता है, न्यूक्लियोलस इज द राइबोसोम मेकिंग मशीन, ठीक है ना। जो राइबोसोम्स बनते हैं वो यही न्यूक्लियोलस बनाता है, लेकिन ये सारे क्रोमोसोम्स में नहीं होता है, क्रोमोसोम नंबर 13, 14, 15, 20 और 21 में होता है, ठीक है ना। और इनको हम बोलते हैं सैट क्रोमोसोम्स भी, सैटेलाइट क्रोमोसोम्स भी, या न्यूक्लियोलर क्रोमोसोम्स भी। अब मिडिल प्रोफेज में क्या होता है कि जो ये वाले क्रोमोसोम्स होते हैं ये न्यूक्लियोलस को लूज करना स्टार्ट करते हैं, या हम कह सकते हैं कि मिडिल प्रोफेज में ये पूरी तरीके से क्रोमो ये न्यूक्लियोलस को लॉस करते हैं, ठीक है। जब इन्हें न्यूक्लियोलस को लॉस किया, दूसरी चेंज क्या आ जाती है, न्यूक्लियर एनवेलप स्टार्ट ब्रेकिंग। अब चलिए, जो यहां पे आप देख रहे हैं ये न्यूक्लियस है, अब इस न्यूक्लियस को बाहर से न्यूक्लियर एनवेलप है, अब ये न्यूक्लियर एनवेलप स्टार्ट करता है ब्रेक होना इंटू पीसेस, लेकिन पूरी तरीके से ब्रेक नहीं होता है, ठीक है ना। अब ये पूरी तरीके से ब्रेक कब होता है, अब चलिए हम आ जाते हैं, अब ये तो हो गया मिडिल प्रोफेज में, अब लेट प्रोफेज में क्या होता है हम देखते हैं, लेट प्रोफेज में क्या होता है। चलिए, लेट प्रोफेज, अब लेट प्रोफेज में क्या होता है कि मान लीजिए ये हमारे पास सेल है, ठीक है ना, और ये है इसका स्पिंडल फाइबर और सेंट्रियोल्स। अब जब इसमें ये न्यूक्लियर मैं बोल रहा हूं कि जो लेट प्रोफेज है, लेट प्रोफेज में क्या होता है, लेट प्रोफेज में न्यूक्लियर एनवेलप पूरी तरीके से ब्रेक हो जाता है, ठीक है ना। इसी वजह से मैंने पहले आपको बताया था, दिस माइटोसिस इज आल्सो कॉल्ड इनडायरेक्ट डिवीजन, क्यों, क्योंकि यहां पर न्यूक्लियर एनवेलप जो होता है न्यूक्लियस का, वो लॉस हो जाता है, ठीक है ना। हाँ, अब न्यूक्लियर एनवेलप लॉस हो गया, जो अंदर क्रोमोसोम्स हैं वो सीधे साइटोप्लाज्म में आ जाएंगे, दे आर नाउ नेकेड, उनको बाहर से कोई कवर नहीं है, ठीक है ना। अब यहां पर क्या चीज होती है कि अब इस न्यूक्लियस की जगह कौन पकड़ेंगे, सेंट्रियोल्स दो पकड़ेंगे। अब ये सेंट्रियोल्स अलोंग विद स्पिंडल फाइबर्स दे टेक अप द पोजीशन ऑफ द न्यूक्लियस। अब यहां पे एक सेंट्रियोल है, यहां पे एक सेंट्रियोल है, बाहर से हैं एस्टर्स, ठीक है, और बीच में क्या है इनको, बीच में है इनको स्पिंडल फाइबर्स, ठीक है ना। तो लेट प्रोफेज में क्या होता है, जो न्यूक्लियर एनवेलप है ये कंप्लीटली ब्रेक हो जाता है, स्पिंडल फाइबर्स टेक अप द पोजीशन ऑफ द न्यूक्लियस, ठीक है ना। हाँ, अब चलिए, ये तो हो गया हमारा प्रोफेज कंप्लीट। अब चलिए, प्रोफेज के बाद क्या आता है, प्रोफेज के बाद आता है हमारा मेटाफेज। अब हम मेटाफेज को डिस्कस करते हैं, ठीक है। नाउ विल बी टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट फेज ऑफ द माइटोसिस ऑफ द कैरियोकाइनेसिस ऑफ द माइटोसिस, दैट इज मेटाफेज। अब चलिए, मेटाफेज जो है इट लास्ट्स फॉर 2 to 10 minutes, ये छोटा फेज होता है, 2 से 10 मिनट तक रहता है, ठीक है ना। हाँ, अब चलिए, अभी तक तो जब प्रोफेज एंड हो जाता है तो ये कंडीशन आ जाती है कि स्पिंडल फाइबर्स बीच में होते हैं सेल के, ठीक है ना। अब मान लीजिए हमारे पास एक सेल है, यहां पर मेटाफेज में बता रहा हूं, अब यहां पर सेंट्रियोल है, यहां पर सेंट्रियोल है, ठीक है ना, और ये हैं इनको बीच में स्पिंडल फाइबर्स, दीज आर द स्पिंडल फाइबर्स, ये स्पिंडल फाइबर्स हैं, ठीक है ना। हाँ, तो अभी उन्होंने सेंटर की पोजीशन ले ली है, न्यूक्लियस की जगह ली, क्योंकि न्यूक्लियर एनवेलप खत्म हो गया। अब मेटाफेज में क्या होता है, जो क्रोमोसोम्स होते हैं डायड फॉर्म में, वो यहां पे स्पिंडल फाइबर के बीच में आ जाते हैं, दे कम इन द मिडल ऑफ द स्पिंडल फाइबर, ठीक है। हाँ, तो अब ये क्रोमोसोम जो बीच में अपने आप को अलाइन करते हैं, ये बनाते हैं एक प्लेट जिसको हम बोलते हैं मेटाफेजिक प्लेट, या इसको हम बोलते हैं इक्विटोरियल प्लेट, याद रखिएगा, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज इक्विटोरियल प्लेट। तो याद रखिएगा, माइटोसिस में एक ही इक्विटोरियल प्लेट बनता है, क्रोमोसोम्स अलाइन देमसेल्व्स इन अ सिंगल लाइन एट द मिडल ऑफ द स्पिंडल फाइबर्स, ठीक है।
तो ये कब होता है? मेटाफेज में होता है। और दूसरी चीज आप याद रहेंगे, मेटाफेज में जो क्रोमोसोम्स होते हैं, सबसे ब्यूटीफुल टाइम जो होता है, सुइटेबल टाइम जो होता है क्रोमोसोम्स को स्टडी करने का, दैट इज मेटाफेज। क्योंकि यहां पर क्रोमोसोम्स अब डिस्टिंग्विशेबल होते हैं, हम इनको अच्छी तरीके से क्रोमोसोम के नीचे देख सकते हैं। सो मेटाफेज इज द बेस्ट टाइम टू स्टडी द क्रोमोसोम्स। ठीक है, अब चलिए, अभी तो ये क्रोमोसोम्स इधर उधर थे सारे, जब न्यूक्लियर एनवेलप खत्म हो गया तो इधर उधर थे, तो ये अपने आप को अलाइन करते हैं बीच में एक जगह पे, एंड दिस मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स फॉर्मिंग द मेटाफेजिक प्लेट, दिस मूवमेंट इज व्हाट वी कॉल एज द कॉन्ग्रेशन। चलिए, इस मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं? इस मूवमेंट को हम बोलते हैं कॉन्ग्रेशन। ये क्रोमोसोम्स का जो बीच में आना है, दिस कॉल्ड कॉन्ग्रेशन। ठीक है, हाँ, तो ये सारी चीजें होती हैं कब? मेटाफेज में, कि क्रोमोसोम्स अपने आप को अलाइन करते हैं इन द स्पिंडल फाइबर्स। ठीक है, अब ये तो मेटाफेज खत्म हो जाता है, अब क्रोमोसोम्स हमारे पास बीच में यहां पे हैं। ठीक है ना, अब इसके बाद आ जाता है एनाफेज। एनाफेज जो है, एनाफेज इससे भी शॉर्ट पीरियड है, दैट लास्ट्स फॉर ओनली 2 to 3 minutes, ये 2 से 3 मिनट तक रहता है। अब इसके दौरान सेल्स में क्या होता है, ये मान लीजिए ये सेल है, ठीक है, ये एक सेंट्रियोल है, ये दूसरा सेंट्रियोल है, ये इसको स्पिंडल फाइबर्स, ये इसको स्पिंडल फाइबर्स। ठीक है ना, अब ये हैं, ये बाहर से एस्टर्स हैं, ये यहां पे हैं स्पिंडल फाइबर्स। ठीक है ना, हाँ। अब चलिए, अब जो ये डायड क्रोमोसोम है, इस डायड क्रोमोसोम में कितने क्रोमेटिड्स हैं? मैंने पहले बताया 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, एक सिस्टर क्रोमेटिड, दूसरा सिस्टर क्रोमेटिड। अब ये सिस्टर क्रोमेटिड्स ड्यूरिंग एनाफेज ये एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। अब यहां पे क्या होता है, ये एक क्रोमेटिड यहां आता है, ये यहां पे, ये यहां पे, ये यहां पे, क्योंकि ये वाले जो इस वाले साइड से सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, वो इस पोल की ओर जाएंगे, जो ये वाले क्रोमेटिड्स हैं ये इस ओर जाएंगे, तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, हाँ। अब आपको पता है कि क्रोमोसोम्स में, हमारे ह्यूमन बींग्स में जो क्रोमोसोम्स होते हैं, उनकी जो सेंट्रोमियर की पोजीशन होती है वो अलग अलग होती है। ठीक है ना, तो हमें पता है कि कुछ क्रोमोसोम्स होते हैं मेटासेंट्रिक, कुछ होते हैं सब मेटासेंट्रिक, कुछ होते हैं एक्रोसेंट्रिक, कुछ होते हैं टीलोसेंट्रिक। याद रखिएगा, ये मैं यहां पे समझाने की कोशिश कर रहा हूं इसको। ठीक है ना, तो मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम्स कैसे होते हैं? इनका क्रोमोसोम, इनका सेंट्रोमियर बिल्कुल बीच में होता है। ठीक है ना, यहां पे बीच में होता है सेंट्रोमियर। ठीक है, अब सब मेटासेंट्रिक में क्या होता है कि इसमें थोड़ा सा टुवर्ड्स वन एंड होता है। ठीक है ना, ये सेंट्रोमियर जो है, इट इज टुवर्ड्स वन एंड, पूरी तरीके से नहीं है टुवर्ड्स वन एंड, लेकिन सेंटर से थोड़ा सा दूर है, दिस कॉल्ड सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। अब एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम जो होता है, इसका जो सेंट्रोमियर होता है वो होता है बिल्कुल टुवर्ड्स वन एंड, यहां पे सेंट्रोमियर आप देख सकते हैं, दिस इज टुवर्ड्स दिस एंड। ठीक है, अब टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम में क्या होता है, इसको जो सेंट्रोमियर होता है वो एंड पे होता है, टीलो का मतलब ये एंड, ये एंड पे होता है ये क्रोमोसोम, ये सेंट्रोमियर। ठीक है ना, तो इस तरीके से ये अलग अलग शेप के क्रोमोसोम्स बनते हैं। ठीक है ना, और जब एनाफेज के दौरान ये क्रोमेटिड्स अपोजिट पोल्स की ओर जाते हैं, तो क्या होता है कि दे आर मूव्ड टुवर्ड्स द अपोजिट पोल्स इन डिफरेंट शेप्स, इन द शेप ऑफ एल, इन द शेप ऑफ एल वी, इन द शेप ऑफ जे, इन द शेप ऑफ आई। ठीक है ना, क्योंकि मान लीजिए ये वाला क्रोमोसोम जो है, ये जब यहां की ओर जाएगा तो ये बिल्कुल इस शेप में जाएगा, यानी कि ये कुछ ऐसी वी शेप बनाएगा। ठीक है ना, अब मान लीजिए जो एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम है, इसका सेंट्रोमियर टुवर्ड्स वन एंड है, तो ये कुछ इस तरीके से जाता है, इस तरीके से, तो बन गई एल शेप या उल्टा जे शेप बन गई। ठीक है ना, अब टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम, इसका सेंट्रोमियर एंड पे है, तो ये आई शेप की ओर जाएगा। ठीक है ना, तो डिफरेंट शेप्स में ये चले जाते हैं टुवर्ड्स देयर रेस्पेक्टिव पोल्स। ठीक है, हाँ, अब इसके बाद क्या होता है, अब हमें ये चीज जानने की जरूरत है कि कौन सी चीज इन क्रोमोसोम्स को, इन अब याद रखेंगे एक इंपॉर्टेंट चीज, आप याद रखेंगे, जब ये क्रोमेटिड्स यहां की ओर जाते हैं, रेस्पेक्टिव पोल्स की ओर जाते हैं, अब इनको क्रोमेटिड नहीं कहेंगे, अब हम इनको कहेंगे क्रोमोसोम, लेकिन क्रोमोसोम इन मोनर फॉर्म, अभी तक ये थे क्रोमोसोम इन डायड फॉर्म, लेकिन ये अब सेपरेट हो गए, अब ये बन गए क्रोमोसोम इन मोनर फॉर्म। ठीक है ना, क्योंकि इनके पास एक ही क्रोमेटिड अब मौजूद होता
हैं, ठीक है ना। चलिए ये तो हो गया एनाफेज, लेकिन अब आपको ये समझने की जरूरत है कि कौन सी ऐसी चीज होती है जो इन क्रोमैटिड्स को एक दूसरे से अलग करती है, ठीक है ना। इसके लिए अभी तक कोई ऐसा खास मॉडल नहीं, कोई ऐसी थ्योरी नहीं आई है कि जो हमें एक्सप्लेन कर सके कि ये कैसे सेपरेट हो जाते हैं। लेकिन फिर भी एक साइंटिस्ट था, उसका नाम था मैकिंटोश। क्या नाम था उसका? मैकिंटोश। मैकिंटोश ने 1960 में एक मॉडल दिया जिसको हम बोलते हैं माइक्रोट्यूब्यूल मॉडल। शाबाश, इसको क्या बोलते हैं? माइक्रोट्यूब्यूल मॉडल। अभी माइक्रोट्यूब्यूल मॉडल क्या बोलता है? माइक्रोट्यूब्यूल मॉडल कहता है कि जो ही ये सेल के फेजेस चलते रहते हैं, कैरियोकाइनेसिस चलता रहता है, तो इन दौरान क्या होता है, मैंने पहले ही आपको बताया कि जो स्पिंडल फाइबर्स होते हैं ये बने होते हैं ट्यूब्यूलिन प्रोटीन्स के। तो ये मॉडल कहता है कि इनमें, इन स्पिंडल फाइबर्स में ट्यूब्यूलिन प्रोटीन्स कंटिन्यूअसली ऐड होते रहते हैं, और जो ही ये ट्यूब्यूलिन प्रोटीन्स ऐड होते रहते हैं, ये जब पूरा ऐड हो जाते हैं तो ये इन क्रोमेटिड्स को पुल करते हैं या पुश करते हैं टुवर्ड्स द अपोजिट साइड्स, ठीक है ना। तो ये एक मॉडल आ गया जो हमें ये एक्सप्लेन करता है कि किस चीज की वजह से क्रोमेटिड्स आपस में दूर जाते हैं, क्योंकि इनमें कंटिन्यूअसली, अब यहां पर भी ट्यूब्यूलिन प्रोटीन ऐड हो जाएंगे, यहां पर भी ट्यूब्यूलिन प्रोटीन ऐड हो जाएंगे, तो जब यहां पे ट्यूब्यूलिन प्रोटीन ऐड हो जाएंगे तो ये उनको क्या खींचेगा? अपोजिट पोल्स की ओर। तो ये क्रोमेटिड्स अपोजिट पोल्स की ओर चले जाते हैं। सो दिस इज व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग द एनाफेज, ठीक है ना। चलिए अब इसके बाद क्या है? अब इसके बाद है हमारे पास टीलोफेज। टीलोफेज भी थोड़ा लंबा फेज होता है, ये भी तकरीबन 30-40 मिनट्स तक रहता है, 30-40 मिनट्स तक ये वाला फेज भी रहता है। अब इस वाले फेज में क्या होता है, मान लीजिए अब हमारे पास ये वाला, मैं अब यहां पे नई डायग्राम बनाऊंगा, अब मैं इसी डायग्राम से एक्सप्लेन करूंगा। अब चलिए टीलोफेज में क्या होता है कि अब हमें कैरियोकाइनेसिस में, असल में क्या होता है कि कैरियोकाइनेसिस में एक न्यूक्लियस से दो न्यूक्लियस बनते हैं, एक न्यूक्लियस डिवाइड करता है इनटू टू न्यूक्लियस, ठीक है ना। लेकिन वो न्यूक्लियस तो उसका तो न्यूक्लियर एनवलप खत्म हो गया। अब क्या होता है टीलोफेज के दौरान, जो यहां पर रेस्पेक्टिव पोल्स की ओर ये क्रोमोसोम्स हैं, इनको बाहर से सराउंड करता है न्यूक्लियर एनवलप, इनको बाहर से डेवलप हो जाता है क्या, इनको बाहर से डेवलप हो जाता है न्यूक्लियर एनवलप। तो पहली चेंज क्या आती है टीलोफेज के दौरान कि न्यूक्लियर एनवलप डेवलप्स, न्यूक्लियर एनवलप डेवलप्स अराउंड ईच सेट ऑफ क्रोमोसोम। याद रखिएगा मेटाफेज के दौरान 46 क्रोमोसोम्स अलाइन हो गए, उसके बाद 46 यहां चले गए मोनर फॉर्म में, 46 यहां चले गए मोनर फॉर्म में, ठीक है ना। तो अब यहां पे इन 46 को बाहर से डेवलप हो जाएगा न्यूक्लियर एनवलप, इन 46 को बाहर से डेवलप हो जाएगा न्यूक्लियर एनवलप, ठीक है ना। दूसरी इंपॉर्टेंट चेंज क्या आती है टीलोफेज के दौरान, न्यूक्लियोलस रीअपीयर्स। जो मैंने आपको लेट प्रोफेज, मिडिल प्रोफेज में हमें आपको बताया कि जो न्यूक्लियोलर क्रोमोसोम्स होते हैं 13, 14, 15, 20, 21, उनका न्यूक्लियोलस लॉस हो जाता है। अब टीलोफेज के दौरान वो उनमें रीअपीयर हो जाता है क्या, न्यूक्लियोलस फिर से रीअपीयर हो जाता है, ठीक है। तो वो भी कब होता है, ड्यूरिंग टीलोफेज, ठीक है ना। तीसरा क्या होता है, जो ये स्पिंडल फाइबर्स होते हैं ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ठीक है ना, ये खत्म हो जाते हैं, ये ब्रेक हो जाते हैं, ठीक है ना। तो अब हमारे पास सेल कुछ इस तरीके से आएगी, ये है सेल, ये है इसका सेंट्रियोल, यहां पर भी सेंट्रियोल, और ये है यहां पर एक बड़ा न्यूक्लियस, और यहां पर भी है एक बड़ा न्यूक्लियस, ठीक है ना। तो अब क्या हो गया, अब हमारा कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट हो गया, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज कंप्लीट हो गया, हमारे अब दो न्यूक्लियस बन गए, और दो न्यूक्लियस में 46 क्रोमोसोम्स हैं ईच में, और वो भी है मोनड फॉर्म में, ठीक है ना। तो कैरियोकाइनेसिस इज कंप्लीटेड। चलिए अब कैरियोकाइनेसिस के बाद दूसरा स्टेज क्या आता है, कैरियोकाइनेसिस के बाद दूसरा स्टेज आता है, दैट इज व्हाट वी कॉल एज द साइटोकाइनेसिस, ठीक है, साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस, लेकिन साइटोकाइनेसिस को तो मतलब आपको पता है, साइटोकाइनेसिस का मतलब हो गया साइटोप्लाज्म का डिवाइड करना, लेकिन याद रखिएगा साइटोकाइनेसिस एनिमल सेल्स में अलग तरीके से होता है और प्लांट सेल्स में
अलग तरीके से होता है, ठीक है ना। एनिमल सेल्स में क्या होता है, मान लीजिए अब हमारे पास सेल है, इसके पास दो न्यूक्लियस हैं, और याद रखिएगा बाकी सेल ऑर्गेनेल्स ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट हुए होते हैं टुवर्ड्स द अपोजिट पोल्स, ठीक है। अब एनिमल सेल्स में क्या होता है कि ये सेल में क्या होता है कि इसमें कॉन्स्ट्रिक्शन डेवलप हो जाती है, ऐसे कॉन्स्ट्रिक्शन डेवलप हो जाती है। अब इस वाले साइड इसको अपना न्यूक्लियस है, अपना सेंट्रियोल, इसको अपना न्यूक्लियस, अपना सेंट्रियोल, ठीक है ना। तो यहां पर जो ये डेवलप हो जाता है बीच में, इसको हम बोलते हैं कॉन्स्ट्रिक्शन, कॉन्स्ट्रिक्शन भी बोलते हैं या इसको फरो भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये कॉन्स्ट्रिक्शन बन जाती है और ये कॉन्स्ट्रिक्शन डीप 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 हो जाती है, अल्टीमेटली ये पूरी सेल को कट करती है दो हिस्सों में, तो यहां पर हमारे पास दो सेल्स आ जाती है, इसका अपना न्यूक्लियस, इसका अपना न्यूक्लियस, ठीक है ना। तो इस तरीके से माइटोसिस कंप्लीट होता है एनिमल सेल में, कि साइटोकाइनेसिस ऑकर्स थ्रू कॉन्स्ट्रिक्शन और फरोइंग, ठीक है ना। क्योंकि इनमें तो बाहर से होता है सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन बहुत फ्लेक्सिबल होता है, सॉफ्ट होता है, तो इसके लिए पॉसिबल है कि ये क्या बैंड करेगा, ये कॉन्स्ट्रिक्शन क्रिएट करेगा, ये फरो क्रिएट करेगा, ठीक है ना। हाँ, इस तरीके से साइटोकाइनेसिस होता है एनिमल सेल में। लेकिन प्लांट सेल्स की अगर आप बात करेंगे, प्लांट सेल्स को बाहर से क्या होता है, सेल वॉल होता है, एंड सेल वॉल इज प्रीटी मच हार्ड, इट इज रिजिड, क्योंकि इसके पास सेलुलोज होता है, ठीक है ना। अब मान लीजिए ये हमारे पास है एनिमल सेल, सॉरी प्लांट सेल, ठीक है ना। इसको बाहर से क्या है, इसको बाहर से है रिजिड एंड वेरी वेरी हार्ड स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड एज द सेल वॉल। अब यहां से मान लीजिए यहां पर न्यूक्लियस है, यहां पर न्यूक्लियस है, इनमें सेंट्रियोल, प्लांट सेल्स में सेंट्रियोल नहीं होता है, इनमें सेंट्रियोल के बगैर ही स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं, ठीक है ना। और याद रखिएगा जो स्पिंडल फाइबर्स एनिमल सेल्स में होते हैं उनको हम बोलते हैं एम्फीएस्ट्रल स्पिंडल फाइबर्स, और जो स्पिंडल फाइबर्स होते हैं किन में, प्लांट सेल्स में, दे आर एनएस्ट्रल, एनएस्ट्रल, क्योंकि वहां पर एस्टर नहीं बनता है, क्योंकि वहां पर सेंट्रियोल नहीं होता है, ठीक है ना। हाँ, अब मान लीजिए यहां पर बाहर से सेल वॉल है, इसमें क्या होता है, इसमें बीच में यहां पर डेवलप हो जाते हैं, अलाइन करते हैं एक दूसरे के ऊपर छोटे छोटे वेसिकल्स, और ये वेसिकल्स कहां से आते हैं, ये वेसिकल्स आते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से या गॉल्गी अपैरेटस से, एंड दीज वेसिकल्स अलाइन देमसेल्व्स एट द मिडल ऑफ द सेल, ठीक है। अब जो इन वेसिकल्स का अपना मेम्ब्रेन होता है, जैसे ये वाला पार्ट है, ये इस साइड का यहां से सेल मेम्ब्रेन बनाएगा, तो ये मेम्ब्रेन का, इस वेसिकल्स का जो मेम्ब्रेन है, ये इस साइड से बनाएगा सेल मेम्ब्रेन, और ये इस साइड से बनाएगा सेल मेम्ब्रेन, ठीक है ना। हाँ, और इसके जो कंटेंट्स, इसके जो मटेरियल्स अंदर से होते हैं, वो इसको हार्ड बनाते हैं, ठीक है ना। और जब इसको हार्ड बनाते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू सेल प्लेट, ये एक स्ट्रक्चर, सॉरी पहले आप याद रखेंगे जो ये ग्रुप ऑफ दीज वेसिकल्स होता है, इस पूरे स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं फ्रैगमोप्लास्ट। क्या बोलते हैं, फ्रैगमोप्लास्ट। तो जब ये फ्रैगमोप्लास्ट बनता है, इसके बाद इस फ्रैगमोप्लास्ट के अंदर जो कंटेंट्स होते हैं, मटेरियल्स होते हैं, ये इस स्ट्रक्चर को हार्ड बनाते हैं, एंड दिस स्ट्रक्चर इज नाउ कॉल्ड एज सेल प्लेट। और जब हम प्लांट सेल्स की बात करते हैं, हम बोलते हैं कि दे डिवाइड, या इनमें जो साइटोकाइनेसिस होता है दैट ऑकर्स थ्रू सेल प्लेट फॉर्मेशन, दैट ऑकर्स थ्रू सेल प्लेट फॉर्मेशन, ठीक है ना। हाँ, तो सेल प्लेट बन गया। अब जब पूरी तरीके से सेल प्लेट बन जाता है, इस पूरे स्ट्रक्चर को हम, इस पूरी तरीके से जो सेल प्लेट बना है, इसको हम बाद में बोलते हैं मिडल लैमेला। और आपने देखा होगा कि जब हम प्लांट सेल्स का स्ट्रक्चर बनाते हैं तो हम बीच में मिडल लैमेला, जैसे ये है प्लांट सेल, ये है प्लांट सेल, बीच में हम दिखाते हैं मिडल लैमेला, ये है प्लांट सेल, ये है प्लांट सेल, बीच में हम दिखाते हैं मिडिल लैमेला। मिडिल लैमेला असल में होता है, ये सेल प्लेट ही होता है, लेकिन जब सेल प्लेट पूरी तरीके से बना होगा वो बनाता है मिडिल लैमेला, ठीक है ना। तो इस तरीके से प्लांट सेल्स में जो साइटोकाइनेसिस होती है, दिस ऑकर्स थ्रू सेल प्लेट फॉर्मेशन, और बाद में ये सेल डिवाइड अलग होती है और ये सेल अलग होती है, ठीक है ना। हाँ, तो इस तरीके से साइटोकाइनेसिस होता है, दिस इज द होल cracks of the mitosis process. Hope you understood this topic. We'll meet in the next lecture with some new video, with some new topic. Till then, thank you.